गाइज आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी वीडियो पे आपके एकदम से एक घंटे के अंदर अंदर 1000-2000 व्यूज आ जाते हैं और जब आप नेक्स्ट वीडियो डालते हो तो उस वीडियो पर 26-27-60-70 मैक्सिमम 100-200 व्यूज ही रह जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका टाइम। आप किस टाइम पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक हफ्ते रिसर्च करने के बाद यह पता लगा है कि भाई टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक याली वीडियो जो आप मेरी देख रहे हो यूट्यूब पे, अगर मैं इसको 2 बजे अपलोड करता तो करता 1000 लोगों के पास इंप्रेशन भेजता कि देख लो भाई टेक्निकल तुषार की वीडियो आ गई, जाके देख लो। और उसके बाद क्या होता, वो लोग सो रहे हैं, मैंने तो रात को अपलोड करी है ना, वो लोग सो रहे हैं। और जब वो लोग सुबह उठेंगे तो यूट्यूब एकदम से उनके फ्रंट पेज पे मेरी वीडियो आएगी और सुबह उठ उठ के वो कर देंगे वीडियो को इग्नोर। तो यूट्यूब को क्या लगेगा कि भाई मैंने 1000 लोगों के पास भेजी बट लोगों ने नहीं देखी, तो इसका मतलब भाई वीडियो में दम ही नहीं था। तो इसलिए भाई टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरी रिसर्च करके पता लगाया कि भाई बेस्ट टाइम कौन सा है आप लोगों के लिए। और एक बोनस टिप है, अगर बाई चांस आप गलती से भी गलत टाइम पर अपलोड करते हो तो आप उसको कैसे सुधार सकते हो। टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भाई ये जरूर जान लो, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो एल्गोरिथम जो है इंस्टाग्राम के वो बिल्कुल सेट है। जब आप वीडियो अपलोड करते हो ना तो 2 घंटे या 3 घंटे के बाद वो चेक करते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपकी वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं और जितने हमने इंप्रेशन भेजे हैं उन लोगों ने कितना उसको पसंद किया है, इग्नोर किया है या वॉच किया है, शेयर किया है, लाइक करा है। बट आप गलत टाइम पर अपलोड करते हो, 90% लोग ये गलती करते हैं कि भाई इंस्टाग्राम ने टाइम बता रखा है। जब आप यहां पर डैशबोर्ड में जाओगे, टोटल फॉलोअर्स में जाओगे, नीचे जब करोगे इंस्टाग्राम ने बता रखा है मोस्ट एक्टिव टाइम, बट इंस्टाग्राम ने कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं कर रही कि आपको इसी टाइम पर वीडियो अपलोड करनी है। इंस्टाग्राम आपको ये बताती है कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आपके इस टाइम पर एक्टिव हैं, बट ये झूठ है। अब झूठ क्यों है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा सभी अकाउंट पर देख लो केवल 6 बजे आता है। अब ऐसा क्यों होता है, 90% लोग बाहर रहते हैं, 6 बजे शाम को बाहर रहते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, यहां पर जब नोटिफिकेशन आती है ना तो यहां पर लोग वॉच कर लेते हैं, उसको मतलब एकदम से देख लेते हैं और इंस्टाग्राम की नजर में वो एक्टिव हो जाता है। बट उस टाइम पर 90% लोग आपकी वीडियो इग्नोर ही करेंगे और जब तक घर जाएंगे वो आपकी वीडियो भूल जाएंगे। तो आपको इस टाइम पर वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करनी है। अगर ये गलती करते हो तो अभी से करना छोड़ दो। आपको वीडियो को उस टाइम पर अपलोड करना है जब पब्लिक आपकी वीडियो एकदम से वॉच करे, क्योंकि जब 2-3 घंटे के बाद एल्गोरिथम आपकी वीडियो चेक करने आएंगे तो यहां पर उनको पता होना चाहिए कि हमने इतने इंप्रेशन के पास मतलब इतने लोगों के पास भेजी और लोगों ने वॉच किया उसको, मतलब इसके फॉलोअर्स ने वॉच किया। अब वो कौन सा टाइम है, या तो आप दिन में अपलोड कर सकते हो, दिन में पब्लिक ज्यादातर इग्नोर नहीं करती, घर पर रहती है, तो दिन में आप अपलोड कर सकते हो, एक बेस्ट टाइम है। काफी लोग सोचते हैं कि भाई रात को अपलोड कर देते हैं, काफी यूट्यूबर ने बता भी रखा है कि रात को अपलोड कर दो, तो भाई अगर मेरी नहीं माननी तो एक काम करो, वीडियो रात को अपलोड करके देखना और आपके बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि आधे से ज्यादा पब्लिक तो सो रही होगी और जब सुबह उठेगी तो आपकी वीडियो इग्नोर कर देगी। तो इसलिए भाई रात को कभी अपलोड नहीं करना, अगर अपलोड करना है रात के टाइम पर तो 8 बजे अपलोड करना। 8 बजे अपलोड करोगे तो पब्लिक घर पर होगी, आपकी वीडियो वॉच करेगी और उस टाइम पर पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो क्या पता आपकी वीडियो शेयर लाइक वगैरह भी कर दे, तो यहां पर भाई बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट आप उस टाइम पर अपलोड करोगे जब पब्लिक ज्यादातर बाहर रहते हैं शाम के 6 बजे या सुबह सुबह या रात के टाइम, जो पब्लिक आपकी वीडियो नहीं देखेगी, तो इसलिए क्या होगा, इंस्टाग्राम जो है वो आपके इंप्रेशन नहीं भेजेगी और इसलिए ही आपकी वीडियो पे किसी किसी वीडियो पे 100-200 व्यूज रह जाते हैं। अब दिन में भी ऐसा चांसेस हो सकता है कि आपकी वीडियो पे 100-200 व्यूज रहे, बट इंस्टाग्राम धीरे धीरे उसको बाद में प्रमोट कर सकती है अगर आपके कॉन्टेंट में दम हुआ तो या तो दिन में अपलोड करना या रात को 8 बजे अपलोड करना, ये एक बेस्ट टाइम है। अब आती है बात वो कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक ज्यादातर बाहर होती है, आपकी वीडियो इग्नोर कर देगी और यहां पर भाई उसके बाद जब भी आपके इंस्टाग्राम उनके पास इंप्रेशन भेजेगा तो उसको इग्नोर कर देगी, ऐसा वो नहीं कर सकती। लाइक आपने करा है दिन में अपलोड करा है और कुछ पब्लिक ऐसी है कि भाई 70% पब्लिक ने यहां पर आपकी वीडियो देख ली बट 30% पब्लिक रह गई, तो आपको जब आप वीडियो अपलोड करोगे उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपको उसको ऐड टू स्टोरी कर देना है। अब उससे क्या होगा, पब्लिक ने अगर आपकी वीडियो इग्नोर करी होगी तो वो आपकी ऐड टू स्टोरी देख के वीडियो पे आ जाएंगे। कुल मिला के आप सारी ऑडियंस को ऐसे टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया अपनी इस वीडियो में जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी ना तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पे मुश्किल से 3-4 हजार व्यूज थे बस, और उसके बाद स्टक हो गए थे। तो उसके बाद क्या करा मैंने, इसको ऐड टू स्टोरी करा और 2-3 अपने अकाउंट से इसको पूरा वॉच किया, पूरा लाइक करा, शेयर किया, ये मैंने ट्रिक खेली थी। और यहां पर जब मैं इस वीडियो को आज देखता हूं ना तो इस पर 16 हजार व्यूज है। अब मुझे नहीं पता भाई कैसा है बट इस पे आ गए, तो वीडियो आपकी बाद में भी वायरल हो सकती है, उसको आपको ऐड टू स्टोरी करना है और अपने यार दोस्तों से ये कहना, खुद से शेयर मत करना बट अपने यार दोस्तों से कहना कि भाई इस वीडियो को पूरा वॉच कर ले, कॉल पे कह देना, मैसेज पे कह देना कि इस वीडियो को पूरा वॉच कर ले और उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, बस आपकी जो एंगेजमेंट है वो एकदम से बूस्ट हो जाएगी और एल्गोरिथम जो है वो आपकी वीडियो पे एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद वो और ज्यादा इंप्रेशन भेज देंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो लोग देखेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। तो इसलिए आप अपनी वीडियो बाद में भी वायरल करवा सकते हो, एक बोनस टिप है, आप इसको मानना है मत मानो, मतलब मानना है तो मान लेना भाई, बहुत कमाल की ट्रिक है। तो ठीक है ना, तो आपको वीडियो या तो दिन में अपलोड करना है या रात को 8 बजे या 9 बजे 10 बजे भी आप अपलोड कर सकते हो, 10 बजे के बाद मत करना क्योंकि 11-12 बजे तक पब्लिक यहां पर अपने कंबल में आपकी वीडियो देखती रहेगी और उसको इंटरेस्ट करती रहेगी। ठीक है ना, तो आपको मतलब अपने दिमाग से नोटिस करना है कि आपको किस टाइम पर वीडियो अपलोड करनी है जब पब्लिक आपकी वीडियो वॉच करे,
शाम को अपलोड करोगे, सुबह अपलोड करोगे तो भाई पब्लिक वॉच नहीं करने की, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बेस्ट वीडियो है, जिसको भी कंफ्यूजन है ये वीडियो उसके पास शेयर कर देना और उससे कह देना कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वैसे कहना मत भाई मैं इतना ही स्मार्ट हूँ, भाई इतना इंटेलिजेंट हूँ कि वो ऑलरेडी कर देगा, ठीक है ना। तो भाई आपको लगता है तुम्हारा भाई भाई स्मार्ट है तो भाई कर दो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ठीक है ना। तो बस यार आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ हमारे प्यार के और फिर मिलेंगे, चलते चलते।